तारीख 13 जून दिन सोमवार, खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। आइए शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरें। शनिवार को गोपीगंज इलाके के जंगीगंज में नूपुर शर्मा के समर्थन में 3 दर्जन से अधिक लोगों ने जुलूस निकाला था। इस जुलूस को भदोही जनपद पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जुलूस निकालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि भाजपा से निलंबित विवादित बयान देने वाली नूपुर शर्मा के समर्थन में शनिवार को कुछ लोगों ने हाथों में बैनर लेकर जुलूस निकाला था। बगैर अनुमति जुलूस निकालने के मामले में भदोही जनपद पुलिस ने 10 नामजद सहित 35 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। भदोही जिले में धारा 144 लागू है, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने विवादित बयान देने वाली नूपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला था। इस मामले में पुलिस ने धनतुलसी निवासी संजय मिश्रा, सुशील मिश्रा, राजीव मिश्रा उर्फ फौजदार, रामकृष्ण मिश्रा, आशीष मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, आकाश मिश्रा, शुभम मिश्रा, राहुल मिश्रा, राजीव व बबलू मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इन सभी की गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज कर दी है। भदोही पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल का नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने गोपीगंज में स्वागत किया है। नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों ने मंत्री का फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। साथ ही गत दिनों भदोही शहर के चौरी रोड स्थित सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर दबंग भूमाफिया एजाज अहमद सहित दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोगों ने हमला कर लूटपाट करने के साथ मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की थी। व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री को पत्र सौंपते हुए सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसी तरह गोपीगंज नगर में एक डॉक्टर परिवार के साथ दबंगों द्वारा की गई मारपीट के मामले में भी व्यापार मंडल के लोगों ने पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, दिनेश उमर, अनीस जायसवाल, कृष्णा कुमार खटाई, सोनू सहित आदि लोग मौजूद रहे। भदोही विकास खंड के ग्राम सभा चक हरिवंश भटान के दलित बस्ती में हाईटेंशन का विद्युत पोल पूरी तरह जर्जर होकर लटक गया है। हादसे की आशंका से डरे ग्रामीणों ने रविवार को जर्जर खंभे के पास खड़े होकर विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। चक हरिवंश दलित बस्ती के जयशंकर गौतम उर्फ पिंटू, नंदलाल शांति देवी, उर्मिला हरिशंकर आदि का कहना है कि गांव में लगा हाईटेंशन विद्युत पोल पूरी तरह जर्जर होकर लटक गया है, जो बांस बल्ली के सहारे रोका गया है। अभी भी धाराशाही हो सकता है। हादसे की आशंका को लेकर गांव के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए विद्युत पोल को ठीक कराए जाने की मांग की है। महाराजा चेत सिंह राजकीय जिला अस्पताल की पोल पट्टी उस वक्त खुल गई जब भदोही पहुंचे 3 मंत्रियों ने एक साथ अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि रविवार को मंत्री सूक्ष्म लघु उद्यम खादी ग्राम उद्योग राकेश सचान, राज्य मंत्री राजस्व विभाग अनुपम प्रधान व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल एक साथ भदोही जनपद पहुंचे थे। पहले तीनों मंत्रियों ने भाजपा जिला कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, उसके बाद सीधे जिला अस्पताल निरीक्षण के लिए पहुंच गए। अस्पताल की बदहाल व्यवस्था देख मंत्रियों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकारा है और व्यवस्था सुधार लिए जाने का निर्देश दिया है। इस दौरान मंत्रियों ने अस्पताल में मौजूद मरीजों से बातचीत भी की, कहा कि किसी भी सूरत में बाहर से दवाइयां न लिखी जाएं। मंत्री के निरीक्षण से स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा रहा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह एक्टिव है और ऐसे लोगों पर जनपद पुलिस नजर बनाए हुए है। रविवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो सोशल मीडिया पर उन्माद फैलाने वाले पोस्ट किए थे। फेसबुक पर नूपुर शर्मा व जाति विशेष के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर सुरियामा के मतेथु निवासी मोहम्मद चौधरी उर्फ अजहर भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी तरह भदोही कोतवाली इलाके के रया गांव निवासी दुर्गेश सिंह ने भी सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष के धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाले पोस्ट किए थे। पुलिस ने रया निवासी दुर्गेश सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। भदोही शहर के स्टेशन रोड सालिमपुर हड्डी मिल के समीप हाईटेंशन विद्युत तार के चलते एक पेड़ में
आग लग गई, जिससे इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बताया जाता है कि समीप के एक बाउंड्री वाल में एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर से 11,000 हाई टेंशन विद्युत तार गुजरा हुआ था। इसी विद्युत तार से पेड़ में आग लग गई, जिससे जलालपुर, पनवरिया, काजीपुर, जोगीपीर सहित कई इलाकों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी। विद्युत तार को ठीक करने विद्युत कर्मी मंसूर अली, रवि कुमार, सुधीर पाल, हरिश्चंद, आदेश कुमार आदि पहुंचे थे। जहां विद्युत तार की चपेट में आने से आदेश कुमार नामक एक विद्युत कर्मी का हाथ झुलस गया, जिसका इलाज एक निजी क्लिनिक में कराया गया। नगर पालिका परिषद भदोही की उदासीनता व लापरवाही के चलते भदोही शहर के मर्याद पट्टी, मामदेवपुर, इंदिरा आवास कॉलोनी में समस्याओं का अंबार है। पेयजल, गंदगी, जाम नालियां व कूड़े के ढेर इस कॉलोनी की पहचान बन गई है। लाखों रुपए की लागत से ट्यूबवेल व टंकी का निर्माण तो कराया गया, लेकिन लापरवाही के चलते जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। शाम ढलते ही इंदिरा आवास कॉलोनी अंधेरे के आगोश में समा जाता है, जिससे चोर उचक्कों का डर बना रहता है। वहीं नालियां पूरी तरह गंदगी से बजबजा रही हैं। साफ सफाई के अभाव में कॉलोनी में गंदगी पसरी पड़ी है। इंदिरा आवास के आवंटियों ने नगर पालिका परिषद भदोही का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पेयजल की व्यवस्था कराए जाने सहित सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है। रविवार को अवराई विकासखंड के ग्राम सभा बैरा खास में लगाए गए जन चौपाल में तीन मंत्रियों ने समस्याएं सुनी है। बैरा खास में पहुंचे मंत्री राकेश सचान, रविंद्र जायसवाल व अनूप प्रधान ने सबसे पहले शहीद सुलभ उपाध्याय के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। उसके बाद जन चौपाल में समस्याएं सुनी है। इस दौरान पेंशन धारक व महिला समूह ने अपनी समस्याएं रखी है, जहाँ मंत्रियों ने निस्तारण का निर्देश दिया है। साथ ही जन चौपाल में अधिकारियों को निर्देश देते मंत्रियों ने कहा कि अधिकारी कैंप लगाकर छूटे हुए आवास, पेंशन सहित केंद्र व प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचाएं। साथ ही संपर्क मार्ग, विद्युतीकरण, पेयजल, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, कृषि कार्यक्रम, पशुओं के टीकाकरण जैसी योजनाओं का मंत्रियों ने जायजा लिया है। भदोही जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने रविवार को 8 पुलिस कर्मियों का कार्य क्षेत्र बदल दिया है। इस कड़ी में प्रभारी चौकी ज्ञानपुर अमृता सिंह को महिला थाना अध्यक्ष का कमान मिला है। निरीक्षक पुलिस लाइन नागेंद्र प्रताप सिंह को पीआरओ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। प्रभारी चौकी कोयरौना महेंद्र सिंह पटेल को, प्रभारी चौकी जंगीगंज, प्रभारी चौकी गोपीगंज मनोज पांडे को थाना गोपीगंज, उप निरीक्षक थाना गोपीगंज संजय कुमार यादव को प्रभारी चौकी गोपीगंज बनाया गया है। उप निरीक्षक पुलिस लाइन नागेंद्र नाथ चौबे को प्रभारी चौकी कोयरौना, उप निरीक्षक पुलिस लाइन भगवान प्रसाद को थाना औराई एवं उप निरीक्षक पीआरओ अविनाश प्रकाश राय को प्रभारी चौकी ज्ञानपुर की कमान सौंपी गई है। रविवार को भदोही पहुंचे तीन मंत्रियों ने कारपेट सिटी स्थित एक्सपो मार्ट का निरीक्षण किया है। इस दौरान सीईपीसी ने कैबिनेट मंत्री को 27 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। सीईपीसी द्वारा सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि 43वां इंडिया कारपेट एक्सपो के आयोजन के लिए कारपेट एक्सपो मार्ट में काफी खामियां हैं, उन खामियों को दूर कराया जाना जरूरी है। सीपीसी द्वारा सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि बारिश के दौरान एक्सपो मार्ट के अधिकतर कमरे और कॉरिडोर में पानी टपकता है। सीसीटीवी कैमरा व 2 स्वचालित सीढ़ियों को लगाए जाने की आवश्यकता है, सहित लगभग 27 खामियों को सीपीसी ने बताया है। कहा कि यह सभी खामियां एक्सपो मार्ट में मौजूद हैं, बगैर इन खामियों को दूर किए कारपेट एक्सपो का आयोजन करना मुश्किल है। रेलवे विभाग को अच्छा खासा राजस्व देने वाले भदोही जंघई रेल मार्ग के मध्य स्थित सूर्यामा रेलवे स्टेशन पर तैनात जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से इस स्टेशन से सफर करने वाले यात्री पूरी तरह परेशान हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए ओवर ब्रिज पर किस तरह जाली गिरी पड़ी है। बताया जाता है कि पिछले महीने आई तेज आंधी तूफान के चलते सूर्यामा रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज का जाली ओवर ब्रिज पर ही गिर गया था। महीनों गुजर गए, लेकिन जिम्मेदारों ने इसे सही कराने की जमहत मोल नहीं ली। ऐसे में अब यह ओवरब्रिज यात्रियों के लिए मुसीबत बना हुआ है।
पूंछ थाना इलाके के वहीदा मोड़ के समीप दो बाइकों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। इस टक्कर में भरतपुर निवासी शिव बालक का पुत्र तारा शंकर घायल हुआ है। तारा शंकर बाइक से अपने घर जा रहा था। वह एक शादी समारोह में शामिल होने बाइक से गया हुआ था। रात करीब 11 बजे वह लौट रहा था, तभी वहीदा मोड़ के समीप एक बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। आसपास के लोगों ने यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दी, जहां उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया था। रविवार को बाल श्रम निषेध दिवस पर एक जागरूकता रैली निकाली गई। यह जागरूकता रैली मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान द्वारा निकाली गई थी। रैली सूर्यामा के मौजूदा बाजार से कसियापुर तक निकाली गई थी, जिसमें वारी मौजूदा भोरी से काफी संख्या में बच्चे मौजूद रहे। इस दौरान बच्चे हाथों में तख्ती लिए हुए बाल श्रम पर अंकुश लगाने के साथ ही साथ बच्चों से श्रम न कराए जाने की अपील कर रहे थे। इस दौरान संस्था ने बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर रमेश गौतम, तिरंगा रावत, विनोद शेषमणि आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में पॉजिटिव केस मिलने का सिलसिला जारी है। एक दो दिन बाद इक्का दुक्का केस मिल रहे हैं। रविवार को एक स्वास्थ्यकर्मी समेत दो लोग संक्रमित मिले हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि संक्रमण केस में वृद्धि होना गंभीर चिंता का विषय है। घर घर वैक्सीन लगाने का अभियान चल रहा है। जो भी लोग टीका नहीं लगवाए हैं वह लगवा लें। संक्रमित मिलने वाले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक स्वास्थ्यकर्मी व समालकोट निवासी एक 27 वर्षीय युवक शामिल है। सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज वेब चैनल आपके भदोही जिले का आपका अपना मीडिया ग्रुप है। ऐसे में आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं, चाहे कोटेदारों की मनमानी हो या फिर यूनिट के हिसाब से राशन कम देने की शिकायत, गांव में ठप पड़ा हो विकास कार्य या भदोही जिले की हो कोई भी समस्या, आप हमें बेझिझक फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय बूढ़ापट्टी चौरी रोड भदोही शहर में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।